अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी चिकन चुक्का किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप की चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 2 kg बोनलेस चिकन, 400 ग्राम योगर्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon सॉल्ट और टू टेस्ट, 8 whole चिली बटन्स, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 2 tablespoon वाइट विनीगर, 5 curry leaves, 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर। अब चिकन के ऊपर हम ये सिरका डाल देंगे, फिर योगर्ट डाल देंगे और इसके बाद बाकी के भी सारे मसाले डाल देंगे। और अब हम सबको मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब आप सेकंड स्टेप की अशिया को नोट कर लीजिए। 1 kg अनियंस, 1 cup डालडा बनस्पति घी, 3 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon क्यूमन सीड्स, 10 black peppers, 5 cloves, 5 green cardamom, 1 bay leaves एंड 3 red green chilies। ऑयल को गर्म करके अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी और इसको फ्राई करूंगी। देखिए प्याज जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये साबुत गर्म मसाले जो आपको दिखाए थे वो डाल दूंगी। और ये लहसुन अदरक डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह भून लिया, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो मैं डाल दूंगी और डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये लाल मिर्च भी डाल दूंगी, खबर है। अच्छी तरह मिक्स करके 5-6 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 cup पानी डाल दूंगी और उसे भी मिक्स कर लूंगी। पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आंच कम कर दूंगी और इसको ढककर 10 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक चिकन गल ना जाए और इसका पानी ड्राई ना हो जाए। देखिए अब ये मुकम्मल तौर पर गल चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाजरीन, नहायत मज़ेदार चिकन चुक्का मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप इसको इसी तरह बनाकर खाइएगा, ये बहुत मज़ेदार होता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।